तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हमारे सारे वीडियोस लाइव वीडियोस रिकॉर्डिंग होते हैं, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो इंटरप्शन होते हैं वो आपको साफ सुनाई भी देंगे, दिखाई भी देंगे ऐसे। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक ही लाइन में, यानी कभी कट नहीं करता, क्योंकि मुझे एडिटिंग ज़्यादातर पसंद है नहीं। तो पिछले वीडियो में WCC 2 का मैंने रिव्यू किया था वर्सेस रियल क्रिकेट, क्योंकि रियल क्रिकेट कैसा है। अगर रियल क्रिकेट ने अपडेट डाला अपना 170 MB का, तो WCC 2 ने 200 MB का अपडेट डाला। लेकिन आज एक और गेम है जो मेरे पास है, स्कोर मैच। आपने सभी ने स्कोर हीरो को खेला होगा, देखा होगा। स्कोर हीरो एक फुटबॉल का गेम है, वैसे ही ये कुछ वैसा ही गेम है, लेकिन इसमें मैच होते हैं। वहाँ पर आपको मिल रहा था वहाँ पर आपको ये मिल रहा था कि आप सिर्फ एक टास्क दिया जाए कुछ गोल्स करने का या फिर जीतने का। आपको ऐसे भी गोल करने होते हैं, और बीच में कोई भी आता नहीं था, ठीक है। 3 या 4 पिक में आपको गोल कर देना था, और वहाँ पर बीच में कोई खिलाड़ी दूसरी टीम का इंटरप्शन नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें यह होता है मैचेस खेलने होते हैं। इसमें शुरुआत 100 रुपये से होते हैं, मतलब 100 मैच। तो हम फिलहाल 9 बीट करते हैं। इस गेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। इसमें अपना प्लेयर का नाम पहले तो बनाना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैंने कर ली है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन अब अलग क्या है, तो सामने वाली टीम फ़िलहाल उनके पास गेंद है, तो हमें अगर लेना है तो यहाँ पर टैकल करना होगा। जैसे ही टैकल होगा हमारा प्लेयर उसे लेने की कोशिश करेगा, अगर वो नहीं है तो उसे लेने की कोशिश वो नहीं कर सकता। तो बाय चांस अगर हमारे उसके टीम के प्लेयर अगर हमारे और किक कर दे तो अलग बात है, लेकिन हमें टैकल का ही सहारा लेना होगा। फिलहाल गोल किक है, तो हमें जैसे मतलब हमारे पास ही गेंद रहना चाहिए, ठीक है। हम अगर हमारे पास गेंद आए तो हम ऐसे जूम जूम करके यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर गेंद, वो भी टैकल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर उनके नज़दीक गए तो वो टैकल कर सकते, वरना वो नहीं कर सकते, ठीक है। वो टैकल करने का पूरे प्रयास करेंगे, लेकिन हम टैकल नहीं करने देंगे। तो इस प्रकार की मैचेस होती है। अगर 2 गोल जिसने भी पहले कर दिए वो इस मैच में ऐसा हो जाता है कि वो इस मैच में जीत जाएगा। अगर एक एक गोल होते हैं तो पेनल्टी शूट आउट होता है। पेनल्टी शूट आउट में ज़्यादा मज़ा मुझे तो आता है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा, अगर पेनल्टी शूट आउट आया तो ये 2 मिनट का खेल मैं पूरा जारी रखूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो WCC 2 का रिव्यू। 3 लोगों ने लाइक किया, भले ही मेरे 7 ही व्यू फ़िलहाल है इस वीडियो के दौरान, इस डेट के दौरान, लेकिन शुरुआत है। और 1000 व्यू, 1000 व्यू मैंने ख़त्म किए हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। थैंक यू फॉर एवरी व्यूअर्स जो थाउजेंड्स बार मेरे वीडियोज़ देख चुके हैं, और 18 सब्सक्राइबर है। फ़िलहाल मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था कि कोई व्यू मिले ना मिले, लेकिन अगर आप एक अच्छे वीडियो बनाते हैं तो लोग देखेंगे ही। और फ़िलहाल ज़्यादा व्यूअर्स ना होने के कारण, ज़्यादा सब्सक्राइबर ना होने के कारण, मात्र 7 व्यूज़ में मैंने 3 लाइक्स मिली है मुझे WCC 2 के लिए। तो वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा वीडियो बना था वो पिछला वाला, लेकिन फ़िलहाल मैं स्कोर हीरो का दूसरा जो है वर्जन, स्कोर मैच, उसका कर रहा हूँ। ये फुटबॉल में मुझे इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसका ग्राफिक्स जो है वो आमतौर से ज़्यादा बढ़िया है। ये वर्टिकल स्क्रीन के कारण वो अपने ग्राफिक्स बढ़िया कर पाते हैं। तो सेव कर लिया है, शायद मैं आपको पेनल्टी शूटआउट का कुछ दिखा सकूँ अगर मैं यहाँ पर गोल नहीं करता हूँ तो। मैं गोल करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि पेनल्टी शूटआउट के लिए मुझे गोल नहीं बनाना है, सिर्फ टाइम पास करना है यहाँ पर सामने वाले प्लेयर्स को। और यहाँ पर फुटबॉल खेलने का अलग ही मज़ा आता है। यहाँ सिर्फ एक लाइन खींचो और गेंद चला जाएगा उधर। सिर्फ हमारा लाइन का डिसीजन एकदम ठीक होना चाहिए, वरना बाकी सब वो प्लेयर संभाल लेगा। ऐसे ही खेलते जाए, मज़ा आएगा वैसे तो। और एडवांटेज किक, 27 सेकेंड्स मुझे इस गेम को चलाना है, और ताकि मैं आपको पेनल्टी शूट आउट इसमें दिखा सकूं। इसमें क्या होता है, पैसे जो है वो Arena 1 में खेल रहा हूं मैं, मतलब कि 100 रुपये डालो और 200 जीतो। अगर 100 रुपये डालने के बाद हार जाते हो
तो यहाँ पर 3 स्टार जीतने पर मिलते हैं और 1 स्टार हारने को माइनस होता है। लेकिन 40 स्टार करने के बाद आप एरेना 2 में चले जाते हो, मतलब और एक लेवल अप, और धीरे धीरे आपको कुछ बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें कुछ ऐसा होता है कि प्लेयर अपडेट होते हैं आपकी टीम के, कुछ नए प्लेयर्स आते हैं और बार बार बच गए वरना यहाँ पर पेनल्टी शूट आउट का नामो निशान रह जाता। ठीक है, हम पेनल्टी शूट आउट के लिए जा ही रहे हैं, तो बता दूं कि पेनल्टी शूट आउट में मैं काफ़ी बार जीत चुका हूँ, ऐसे नहीं जीत पाया लेकिन पेनल्टी शूट आउट में काफ़ी बार जीत चुका हूँ। तो अब शूट आउट होगा, कमेंट्री भी बेहतरीन है। तो पेनल्टी शूट आउट में होता है कीपर को कोई भी एक साइड पर, मतलब इस साइड पर सिलेक्ट कर दो, तो वहाँ पर अगर गेंद है तो कीपर वहीं पर कूदेगा, मतलब और काफ़ी दूर था। तो अब मेरी बारी है, गोल, बूम बूम। फिर से मैं कोई भी एक साइड को सिलेक्ट कर लो ताकि वो जब गेंद आए तो उसे रोका जा सके। काफ़ी सोच रहा है ओलिविया और रोक लिया है, अगर वो यहाँ पर डालता तो शायद उसे मुक्की खानी पड़ती, मुझे मुक्की खानी पड़ती क्योंकि वो हार मैं जीत जाता। ठीक है, अब दूसरा गोल के लिए, और वो स्ट्रेट में था इसलिए स्ट्रेट में ही गिरा। मैं ट्राई करूँगा अभी भी उस साइड पर, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि सामने वाले जो प्लेयर्स है वो उसी तरफ राइट हैंड साइड मेरे गेयर गोल्स करते हैं देखा, और इस साथ मैं पेनल्टी शूट आउट जीत चुका हूँ। और सेम ही है, यहाँ पर पैसे मिलते आपको 200 के, तो उसी प्रकार का था कुछ देखने को मिला। यहाँ पर बॉक्सेस आते हैं आपको उसको खोलने पड़ते हैं, यहाँ पर प्लेयर्स कार्ड मिलते हैं लेकिन वो कोई भी एक टाइम पर एक ही बॉक्स खोलने को मिलता है, लेकिन उसके लिए 3 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया एरेना है एरेना 1 जो कि 39 स्टार तक है, इसमें बाद में एरेना टू को अगर मैं पार करूँगा तो मुझे 90 स्टार चाहिए, मेरे पास 60 स्टार्स हैं। बाद में एरेना 3 तक जाऊँगा, वहाँ पर प्राइस 800 है, मतलब 400 मुझे डालने पड़ेंगे, 1000 डालने पड़ेंगे, इस तरह से बढ़ता जाएगा। प्रोफाइल में देखा जाए तो जैसे कि लिखा हुआ है प्रोफाइल में, मैंने काफ़ी विनिंग परसेंटेज है, ठीक है, तो उस प्रकार से है ये गेम। और ये गेम मुझे इसलिए भी पसंद लगा क्योंकि सामान्य तौर पर फुटबॉल जो है वो ज़्यादा प्रचलित है नहीं इंडिया में, लेकिन ये जो है वो गेम इंडिया में फुटबॉल को फेमस कर रहा है। अगर देखा जाए बड़ी बड़ी गेम है, फीफा है एंड्रॉइड में, उससे तो काफ़ी बढ़िया ये नज़र आ रहा है, क्योंकि फीफा जो है वो ज़्यादा ग्राफिक्स है और ज़्यादा क्लोजली खेलने वाला गेम है। इससे बढ़िया तो ये है कि सिर्फ उंगलियों के इशारे गेंद को आप पास करते जाओ और खेलते जाओ, उसमें ऐसा है कि अगर मिस हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ऐसे हो गया तो भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रकार से खेलने की जगह हम ऐसे भी खेल सकते हैं। तो यहाँ तक का था वीडियो आज का। तो और अगर आपको WCC 2 का एक रिव्यू पसंद आया तो मैं शायद WCC 2 का एक गेम प्ले भी डालना चाहूँगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि गेम जो है वो लैग हो रहा है, उसका कारण ये था कि लैग होने का कारण वो है कि WCC 2 जो है वो हाईली ग्राफिक्स गेम हो चुकी है। अब पहले भी वो 140 MB में उतना ही परफॉर्मेंस कर रहा था जितना वो रियल क्रिकेट 170 MB में कर रहा है। रियल क्रिकेट ने सिर्फ क्या डाला है, उसने अपने चेहरे बदले हैं और वो साफ अपना जो है चेहरे वो परफॉर्म कर रहा है रियल क्रिकेट वाले, लेकिन WCC 2 उसमें नाकामयाब नहीं हो पा रही है क्योंकि WCC 2 जो है वो ज़्यादातर ऐसे देखा गया है कि वो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। उसका कारण ये भी है कि वो ज़्यादा स्टोरेज रोक रही है, और किसी फ़ोन में अगर रैम 4 GB या 5 GB नहीं है तो उसके हाईली ग्राफिक्स उसको लैग कर रहे हैं, उसको स्लो बना रहे हैं। तो बस वही कारण है, कुछ अपडेट्स और लाएगी रियल क्रिकेट भी से, वाकई अपडेट लानी ही पड़ेगा रियल क्रिकेट को भी, क्योंकि रियल क्रिकेट में भी काफ़ी बग्स देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और सभी गेम में शुरुआत में तो दिक्कत होती है। तो अगले अपडेट के लिए इंतज़ार रहेगा, और मैं गेम प्ले ज़रूर डालूंगा WCC 2 का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर के ना होने के कारण शायद ये चैनल बंद भी करना पड़े, क्योंकि फ़िलहाल नियम जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स का है। ठीक है, 4000 वॉच टाइम अगर हो गए तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, या फिर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो 4000 वॉच टाइम हो जाएगा, कोई भी एक साथ दोनों हो ही जाएंगे, लेकिन एक भी होना ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़िलहाल अभी मैं
इस गेम को बंद कर रहा हूँ, इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। अगला कमेंट करती रहिए आपको कौन से गेम का गेम प्ले चाहिए। अगर आप कोई पजल्स गेम प्ले, अगर आप, मैंने सभी गेम्स सॉल्व की चुके हैं, कर चुका हूँ मैं सभी गेम्स, तो आप कर सकते हैं। कोई भी अपडेट चाहिए आपको, ये गेम का ये राउंड जो है वो पास नहीं हो रहा है, तो आप उसे मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।